पिक्चर देखे क्या? I just saw Fane Khan. Okay. Yeah. So how's the film Fane Khan? Fane Khan is a very nice movie, very emotional and very touching, very heartwarming. It's made by Atul Manjrekar. It's his debut movie and Anil Kapoor, he's the male protagonist. बहुत अच्छा रोल निभाया उन्होंने, हमेशा की तरह उन्होंने साबित कर दिया कि बहुत ही versatile है वो. और ऐश्वर्या राय का बहुत अच्छा रोल है, you know, she is very flamboyant and बहुत ही stylish रोल है और बहुत अच्छा उन्होंने किरदार निभाया. और उनके साथ राजकुमार राव हैं जो बहुत ही अच्छा, उनका भी काफ़ी अच्छा किरदार है. म्यूज़िक की बात करें और डायरेक्शन की बात करें तो कितना पसंद आया? डायरेक्शन बहुत अच्छा है अतुल मांजरेकर का, बीइंग हिज फर्स्ट मूवी. और म्यूज़िक बाय अमित त्रिवेदी बहुत अच्छा है. एक गाना जवा है मोहब्बत जो तनिष्क बागची ने कंपोज किया है वो भी बहुत अच्छा है. और गाने भी यू नो जो लास्ट सॉन्ग था तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ वो गाना बहुत अच्छा है. और भी यू नो सॉन्ग्स है जो अमित त्रिवेदी ने कंपोज किए बहुत अच्छे हैं. आई विल गिव 3.5. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. या फने का इट्स अ रियली अ ब्यूटीफुल फिल्म. और एक्ट डायरेक्शन सब बहुत अच्छा था. मुझे अनिल कपूर का सबसे ज़्यादा, हाँ, मतलब बीइंग अ फादर जो भी किया हुआ, जिस तरह का उन्होंने एक्ट किया और इमोशंस, सो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. फेवरेट सॉन्ग ये जो हल्का हल्का सुरूर है, फोर स्टार्स. अच्छी लगी, स्पेशली अनिल सर ने जो काम किया लिटरली बहुत अच्छी लगी. और इसके सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे. मैं मतलब खुद को देखने आया था, मैंने भी एक छोटा सा कैरेक्टर किया इसमें. अच्छा, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी. 4 तो दूंगा. First of all, I have got a strong message for Aishwarya Rai. Why are you doing these B-grade movies? Trust me, I'm really disappointed to see you doing these movies. 10-minute chapter role. You are one of most beautiful actors in our country. I think in entire world, you have done tremendous work. Why are you doing these 10-minute role? Is it? I'm disappointed. I'm sad to see you doing those things. Can you do something better? Aren't you getting offers? I'm sure you are getting. Do good movies, do A-grade movies. You mean to say he has only few shot in the movie? Like yeah, about. just 5-10 minutes role. I'm really disappointed. But she looked breathtaking, gorgeous. That is something. Whenever she comes on screen, trust me, you will forget everything else. But I'm disappointed. To Fane Khan, has a very nice concept about body shaming, and which is very true in our country. We always say, "Oh, moti chal hat." This is what we always say. But as per me, they have messed it up. So concept is nice, but they could not deliver it properly. Somewhere they forget the plot and mix up many other stories, and you lose that connect. Otherwise, Anil Kapoor has done really good job. That little girl, Dibya Datta, everybody else is fine. Rajkumar Rao is love. 3. Nice movie. After Taal movie, it was very love to see Anil Kapoor and Ash both. And the script was very good, direction was very good. Ye movie to mere bhai ne iska logo banaya. It has happened in my brother's studio, Just Right Studio. So it very, the movie motivation also very good. पापा कितना कुछ करते हैं अपनी बेटी के करियर के टॉप बनाने के लिए. इट हैज शोन वेरी टची मोमेंट्स. मुझे सभी अच्छा लगा, अनिल कपूर जी का, ऐश्वर्या का, राव राजकुमार राव का, इवन दैट गर्ल आई डोंट नो हर नेम बट शी ऑल्सो हैज वर्क वेरी नाइस. 5 out of 5. फने खान तो बहुत बढ़िया फिल्म है और सबसे रिक्वेस्ट है कि आके देखो. आपको तो
आपके सपने जो हम लोग सब सपने के पीछे भाग रहे हैं, ओके, ऐसा कोई तो है हमारे पीछे जो हम लोग का सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें से हमारी मम्मी डैडी की बड़ी हाथ होती है। तो मुझे एक्चुअली महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा मेरा जो डैडी की बहुत याद आ रही है, और डैडी कैसे यू नो अपने खुद के सपने छोड़ के मेरे सपने के पीछे इतने रात दिन और इतना टीचर का जॉब करके कैसे बनाने की कोशिश की है, और फिर मुझे ये सब महसूस हो रहा है इधर थिएटर में बैठ के। और पीहू जी का जो एक्टिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जो हम लोग सब में जो टैलेंट है वो हम लोग के साइज़ के ऊपर, साइज़ और कलर के ऊपर नहीं है, लेकिन टैलेंट के ऊपर होना चाहिए। और मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि ऐसे जो है यू नो ऐसे सब, ऐश्वर्या जी ने भी बहुत बड़ी एक्टिंग की, लेकिन पीहू जी की जो एक्टिंग है ना ऐसे देखने को मिलती नहीं है, बिकॉज ऐसे जो लोग हैं टैलेंट के हिसाब से ऊपर बढ़ते हैं। और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अतुल मांजरेकर जी, यस यस ऐश का, और वो राजकुमार के साथ इतना अच्छा केमिस्ट्री है, मुझे ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता कि उसका अच्छे बच्ची है, क्या सुपर्ब केमिस्ट्री है दोनों की, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये टीनेजर्स है। एंड ऑल थैंक्स टू अतुल मांजरेकर जी ये स्टोरी को लाने के लिए हम लोग के लिए, थैंक यू सो मच। 25 स्टार्स, ये 10 प्लस 25 35 स्टार्स। कोई गाना पसंद है? ओह या गाना चाहिए, और मोना मोनाली ठाकुर का जो गाना है वो जो तेरे मेरे जैसे, वो तो बहुत बढ़िया है। हम लोग गायक नहीं है, हम लोग राइटर लोग हैं, हम लोग गायक नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी सॉरी, फने खान इज वेरी नाइस, इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन सच अ फिल्म। बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एंटरटेनिंग है, सब कुछ है इसमें, एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, यू नो थोड़ा बहुत मस्ती है, डांस है, कॉमेडी है, रोमांस भी है, और सब कुछ है यार, सब कुछ है फिल्म में, सब कुछ भरा हुआ है, सो ब्रिलियंट फिल्म। मैसेज क्या दे रही है? मैसेज एक गलत मैसेज मत लेना, अगर जो फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले होता है, जैसे ट्रेलर में हमने देखा किडनैप कर लेते हैं उनको, ठीक है, वो मैसेज लेने लग किस लिए किया गया था, किस लिए इमोशनली जब उसको एंड में लेके जाते हैं, फिल्म का एंड से थोड़ा सा यू नो प्रेरणा लेना, क्लाइमैक्स क्या सॉरी क्लाइमैक्स कह रहा हूँ, इंटरवल से पहले पूछते भी है उनको कि अनिल कपूर उनको ऐश्वर्या राय को जब किडनैप कर लेते हैं कि यार आपने कभी कुछ से बड़ी सिंगर बनने के लिए कुछ ऐसा ऐसा किया था क्या, बॉम्बे में यू नो ये सब होता रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह किया था, तो बोलती कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले दो दिन में डूब जाते हैं, ठीक है, ये जो मेहनत ही है जो आगे लेके जाएगी, और तुम भी इस बात को धीरे धीरे समझोगे, और फिर वो हमें क्लाइमैक्स में समझ में आता है, सो विच इज़ रियली बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है अतुल मांजरेकर सर, पहली फिल्म यू नो एड फिल्म मेकर है वो, बहुत पहली फिल्म बहुत ही अच्छी है उनके हिसाब से, और क्या उसे कहते हैं म्यूजिक ओके ओके है, बहुत बढ़िया नहीं है, एंड का जो सॉन्ग है बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है। 4 स्टार आउट ऑफ 5, थैंक यू सो मच।